भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को तो सभी जानते ही हैं। भोजपुरी के वो चहेता ऐसे हीरो हैं जिनके लाखों फैंस हैं। खेसारी रियल लाइफ में हीरो तो है ही, वो रियल लाइफ में भी एक हीरो हैं। फिल्मी पर्दे पर तो हर कोई हीरो बन जाता है, लेकिन जो असल जिंदगी में हीरो जैसा काम करे और उसे देखकर औरों की जुबान से निकले वाह वाह क्या बात है। तभी तो कहा गया है कि खुद के लिए जो जिए तो क्या खाक जिए, औरों के लिए जिए तो वही सच्चा इंसान है। ऐसे ही एक मिसाल भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने पेश की है। नागदेव की रिलीज से ठीक पहले छपरा एकमा थाना क्षेत्र के तिलकार गांव के दलित बस्ती के 45 घरों को गोद लिया। खेसारी लाल यादव दलितों के मसीहा बनकर उभरे उस गांव में। आपको बता दें कि खेसारी ने इन घरों को गोद क्यों लिया है। इसका कारण यह है कि दिवाली की चिंगारी, जी हाँ दोस्तों, दिवाली के पटाखों ने छपरा एकमा थाना क्षेत्र के तिलकार गांव के दलित बस्ती के 45 घरों को अपने चपेट में ले लिया था, जिसके कारण इन सभी घरों के लोग बेघर हो गए थे। जब खेसारी को इस बात की जानकारी हुई तो वे भागे भागे उस गांव में गए और उन्होंने तुरंत ही इन परिवारों को गोद लेने का फैसला किया और उन्होंने इन सभी घरों को गोद ले लिया है। खेसारी पहली बार ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी खेसारी लोगों की मदद के लिए आगे आ चुके हैं। खेसारी के तिलिस्मी अवतार से परिपूर्ण भोजपुरी फिल्म नागदेव में VFX के प्रयोग की काफी तारीफ की जा रही है। फिल्म के निर्माता व निर्देशक इस अनोखे फिल्म मेकिंग की हर कोई दाद दे रहा है। यस एंड राजा एंटरटेनमेंट एम खेसारी एंटरटेनमेंट प्रस्तुत नीलाभ तिवारी फिल्म व रंभा एंटरटेनमेंट की फिल्म नागदेव का हर एक दृश्य सीने प्रेमियों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दे रहा है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ काजल राघवानी की रोमांटिक जोड़ी अनोखे अंदाज में अवतरित हुए हैं। मुख्य कलाकार हैं इसमें खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी, अवधेश मिश्रा, देव सिंह, प्रिया शर्मा, संजय महानंद, समर्थ चतुर्वेदी सहित कई और कलाकार भी मुख्य भूमिका में हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, खेसारी लाल यादव पर स्टेज प्रोग्राम के दौरान ईंट पत्थरों से वार किया गया था। ये बात खुद खेसारी लाल यादव ने लाइव आकर सभी को बताया था। यहाँ तक कि लाइव होते हुए खेसारी लाल यादव रो पड़े थे और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जीना चाहता हूँ, मुझे मारने की कोशिश मत करो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो लोग मुझ पर ईंट पत्थरों से वार करते हैं। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी हाल ही की बात है ये, जब खेसारी पर हमला हुआ था।